हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। तो यार आज हम लोग फिर एक न्यू लव स्टोरी के साथ आए जिसका नाम है ऐसा करो आज बुला लो उसको। तो शुरू करते हैं। तो सुनना दोस्तों, ऐसा करो आज बुला लो उसको, जिस इश्क से मैं बेहाल हूँ। हाँ, जिस इश्क से मैं बेहाल हूँ, थोड़ी सी तो वो मोहब्बत सिखा दो उसको। उसकी गैर मौजूदगी तो कई दफ़ा देखी है मैंने। हाँ, उसकी गैर मौजूदगी तो कई दफ़ा देखी है मैंने, तो क्यों ना ऐसा करे आज बुला ले उसको। तो आज ना जिक्र सिर्फ उसी का होगा, और मेरी तो आदतें भी थोड़ी सी खराब हैं। रात के 1 बजे तक सो जाऊं तो ठीक है, वरना सारी रातें बेकार हैं। तो जब रात बेकार हुई गई है तो क्यों ना ऐसा करे बुला ले उसको। तो मेरी मोहब्बत की वो पहली शुरुआत थी। हाँ, मेरी मोहब्बत की वो पहली शुरुआत थी, व्हाट्सएप चिटचैट वाली वो पहली रात थी। गलती से किस वाले इमोजी भेजे थे मैंने। हाँ, गलती से किस वाले इमोजी भेजे थे मैंने। रिप्लाई में उसके नाराज़गी में भी प्यार थे। तो जब नाराज़गी हो ही गई है तो क्यों ना ऐसा करे आज बुला ले उसको। तो मेरी मोहब्बत की जो शुरुआत थी वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही थी। तो जैसे कि वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, मेरी कहानी आगे बढ़ रही थी, तो मेरे अंदर से एक मिलने की चाह सी हो रही थी। इसी चाह में मैं खुद को सवार रहा था। अगर सोच रहे हैं यहाँ पे सवारना क्या था, तो मेरी नज़र में सवारना ये था कि मुझे कुछ ऐसा दिखना है जो उसको भाए। मैं कभी उसके सामने आ जाऊँ तो मुझे देख के वो इग्नोर ना कर पाए। तो मेरी नज़र में वो था सवारना। तो मैं खुद को सवार रहा था, वो भी अधे सवेरे में। सोच रहा हूँ अधे सवेरे क्या है। तो जो अधे सवेरा वो ये था मेरी नज़र में कि मैं जो हूँ वो सरकारी स्कूल का लौंडा और वो प्राइवेट स्कूल की लड़की। तो मिलना ना बड़ा सा उटपटा था हमारे लिए, क्योंकि उसका जो स्कूल था वो 7 से 1 बजे तक का था, क्योंकि छुट्टी होते होते 2 बज जाते थे, और मेरा जो स्कूल था वो 12:30 बजे का था। तो मिलना ना बड़ा दुश्वार हुआ करता था, जिससे अगर मुझे उसको देखना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन ये था कि मैं उसे सुबह उठ के देख पाऊँ। तो जिसके लिए मैं सुबह, अब उसका स्कूल जो है वो 7 बजे का है, तो वो जिसके लिए वो 6:30 के आसपास अपने घर से निकला करती थी। अब उस 6:30 बजे मुझे उसको देखने के लिए मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि सवरना भी तो है। तो मैं सवर रहा था वो भी अधे सवेरों में, क्योंकि सवेरा होने ही वाला था। तो सवर रहा था वो भी अधे सवेरों में कि तभी मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन और पता चला। मैं तो सवर रहा था यूँ ही बेकार में क्योंकि एबसेंट है आज। तो जब एबसेंट हो ही गई है तो क्यों ना ऐसा करे आज बुला ले उसको। तो कहानी ने अब अपना रुख मोड़ा, क्योंकि मेरे उम्र का था भाई उसका, जिसने हमारी प्यार भरी मोहब्बत में अपना नाम जोड़ा। तो जो कि उसके भाई को अब सब कुछ पता चल चुका था, तो बात अब थोड़ी सी तो कम होने लगी थी, क्योंकि उसके हाथ में जो फ़ोन था वो उसके घर वालों का था, वो सब कम मिलने लगा था। तो मैंने भी उस कहानी को एक अंजाम देके छोड़ा, पर खुदा का मेहर तो देखो, उसका मैसेज कुछ दिनों बाद गया। तो जब मैसेज आ ही गया है तो क्यों ना ऐसा करे आज बुला ले उसको। तो ये बात नहीं है, कहानी कुछ महीनों पहले की है, मेरे जन्मदिन की है। तोहफे में घड़ी भिजवाई थी उसने, और साथ में एक पैगाम भी था जिसमें लिखा हुआ था कि किसी और का दुपट्टा इससे उलझने ना देना, किसी और का दुपट्टा इससे उलझने ना देना, और जब तक मैं जिंदा हूँ अपना समय किसी और को ना देना। तो जब पैगाम आ ही गया है तो क्यों ना ऐसा करे आज बुला ले उसको। तो क्यों ना ऐसा करे आज बुला लो उसको।